नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस से MAHSC कोर्स कोड नंबर 238 के लिए आज आपके सामने टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के पेपर में कॉटन पर प्रकाश डालूंगी। कॉटन यानी कि कपास। आज हम लोग कपास के बारे में डिस्कस करेंगे। कपास क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी तंतु या कोई भी रेशा कैसे बनता है, उसके पीछे एक लंबा इतिहास होता है। तो शुरुआत करते हैं कि कॉटन का जो रेशा है वो कैसे बनता है, कैसे तैयार किया जाता है, और कॉटन की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कॉटन फाइबर क्या है? कॉटन एक नेचुरल फाइबर है। फाइबर जो है वो नेचुरल और मैनमेड दो तरीके के देखने को मिलते हैं। कॉटन फाइबर जो है वो नेचुरल है, और कॉटन फाइबर की खास बात क्या है कि ये यूनिवर्सल फाइबर के रूप में जाना जाता है। सर्वव्यापी रेशा है, सभी जगह इजीली अवेलेबल हो जाता है, और इसे हम किंग ऑफ फाइबर के नाम से भी जानते हैं। किंग ऑफ फाइबर इसे इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत सारे गुणों से युक्त है। अभी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे इसकी। लेकिन मदरलैंड क्या है? मदरलैंड कॉटन की है इंडिया, मगर अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन जो है वो कहाँ है? वो हमारा होता है अमेरिका में, क्योंकि वहाँ की जो वेदर कंडीशंस हैं, उन वेदर कंडीशंस में जो कॉटन हमें प्राप्त होता है वो उच्च श्रेणी का होता है। इसमें डेंसिटी जो है हाई और ग्रेविटेशनल फोर्स 1.54 की, और बिना स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो रेशे के रूप में जाने जाने वाला रेशा है वो क्या है? कॉटन। कॉटन 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 हम लोग हर समय कॉटन का जिक्र करते हैं, लेकिन कॉटन हमें क्यों अच्छा लगता है? गर्मियों में पहने जाने वाला आरामदायक वस्त्र यदि कोई पसंद करता है तो वो क्या है? कॉटन। क्यों? क्योंकि जो कॉटन का वस्त्र होता है, जो कॉटन रेशे से निर्मित होता है, वो पसीने को सोख लेता है, गर्मी का प्रभाव कम कर देता है, और हमारे शरीर पर आरामदायक प्रभाव प्रस्तुत करता है। कॉटन नेचुरल फाइबर का पार्ट है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। टेक्सटाइल फाइबर दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड फाइबर। नेचुरल में सेलुलोज बेस्ड होते हैं, प्रोटीन बेस्ड होते हैं, मिनरल बेस्ड होते हैं। सेलुलोज बेस में हमारा हैम, जूट, रेमी, फ्लास्क, सीसल, मनीला और सीसल जो है ये पत्तियों से प्राप्त होने वाले हैं। सीड हेयर के रूप में हम कॉटन और कापोक को देखते हैं। अब हम प्रोटीन बेस्ड फाइबर की बात करेंगे, तो जो प्रोटीन बेस्ड फाइबर है उसमें दो तरीके के रेशे देखने को मिलते हैं, स्टेपल और फिलामेंट। स्टेपल का मतलब होता है जो छोटे रेशे होते हैं, और फिलामेंट का मतलब होता है जो लंबे रेशे होते हैं। छोटे रेशों का प्रयोग करके जो रेशा में प्राप्त हो रहा है उसमें हमारा अल्पाका है, कैमल है, कैश्मीर है, लामा है, मोयर है, विक्यूना है, वूल है, और फिलामेंट प्रोटीन बेस्ड रेशे जो हैं वो कौन से हैं? सिल्क। अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम खाली बात कर रहे हैं अपने सेलुलोज बेस्ड फाइबर की, जो कि है कॉटन, और कॉटन पर ही फोकस करेंगे। लेकिन ये जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि इसके अतिरिक्त जो मैनमेड फाइबर हैं उसमें हमारे नेचुरल पॉलीमर बेस्ड, सिंथेटिक पॉलीमर बेस्ड और मिनरल स्पेशली जो फाइबर देखने को मिलते हैं, मिनरल स्पेशलिटी वाले जो फाइबर देखने को मिलते हैं। मिनरल बेस्ड और मिनरल स्पेशलिटी से मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ मिनरल का प्रयोग हो रहा है, और मिनरल स्पेशलिटी का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक स्पेशल फीचर्स के साथ वाले मिनरल। कॉटन फाइबर जो है वो नेचुरल है, इसे हम वेजिटेबल फाइबर के रूप में भी समझ सकते हैं। ये कहाँ से मिलता है? ये सीड से प्राप्त होता है। ये ज़्यादातर सेलुलोजिक फाइबर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रेशों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला रेशा है। केमिकली जब हम कॉटन को देखते हैं कि केमिकली कैसा रेशा हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे फाइबर को हम प्रयोग में ला रहे हैं, तो पॉलीसैक्राइड और पॉलीमेरिक शुगर
इसको रिप्रेजेंट करती है। यदि हम इसके केमिकल फॉर्मूले को देखते हैं तो C6H10O5N हमारा देखने को मिलता है। हम कॉटन फाइबर को जब प्लांट के रूप में प्राप्त कर रहे हैं उस स्टेज में रेशा नहीं है, रेशा बनने की स्टेज शुरू होने के लिए हम कॉटन प्लांट लगाते हैं। कॉटन प्लांट से सीधे ही हमें रेशे की प्राप्ति नहीं होती है, कई सारी प्रक्रियाओं से, कई सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब हमें कॉटन की प्राप्ति होती है। कॉटन फाइबर जो है वो प्लांट से बॉल के रूप में, इस तरीके के बॉल्स निकलते हैं, बॉल के रूप में प्राप्त होता है। ये कवर्ड रहता है बॉल, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता रहता है बॉल खुलती जाती है, पॉड्स जो है ओपन हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। कॉटन बॉल्स से हम गिनने के बाद फाइबर को प्राप्त करने की स्थिति में आने लगते हैं, इसको भी हम आपको डिटेल में भी बताएंगे। कॉटन फाइबर प्राप्त होता है, स्पिनिंग की जाती है, कॉटन यार्न बनता है, वीविंग की जाती है, कॉटन फैब्रिक बनता है। ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि कॉटन से हमने कैसे फैब्रिक का निर्माण किया। पॉट्स हैं, गिनिंग हो रही है, रेशा बन रहा है, फिर स्पिनिंग और उसके बाद हमारा वीविंग है, वीविंग के बाद इस तरीके का हो जाता है और ये हमारा रेशा प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है ये सीक्वेंस में हो रहा है, क्रम से देखने को मिलता है। सीधे ही इस बॉल से हम इस रेशे को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम गेनिंग और स्पिनिंग का प्रोसेस नहीं करेंगे। स्पिनिंग के बाद हमारा वीविंग भी बहुत ज़रूरी है और वीविंग के बाद ही हमारा रेशा हमें प्राप्त होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसका कल्टिवेशन करते हैं, कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं और कैसे हम इस रेशे को प्राप्त कर रहे हैं। कल्टिवेशन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमने जब भी फसल को बोया और काटा, काटने के बीच में जो प्रोसेस हुए और काटने के बाद जो प्रोसेस हुए उसका एक क्रम है, उसी के आधार पर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लगभग पौधे से रेशा प्राप्त होने तक जो भी प्रक्रिया हो रही है उसमें लगभग 200 दिन का समय हमें लगता है। समर सीज़न इसके लिए बेस्ट है, लेकिन विंटर सीज़न में भी कॉटन की सप्लाई होती है, विंटर सीज़न में भी कॉटन ग्रो करता है। क्वालिटी ऑफ कॉटन दोनों का वैरी करता है। 200 डेज अप्रॉक्स इसमें लगते हैं कल्टीवेशन ऑफ कॉटन में। वेडिंग यानी कि इसकी सोनी होती है और इसी समय हमें जो हाइट मिलती है प्लांट की वो मिलती है अप्रॉक्स 3 इंचेस। 3 इंच का जब पौधा हो जाएगा उस समय उसकी वेडिंग का टाइम माना जाता है कि अब हमारा पौधा तैयार है। लेकिन पौधा तैयार होने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? पौधा तैयार होने से पहले हमें गर्मी का मौसम चाहिए, हमें उसमें 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और गोबर युक्त भूमि चाहिए। यदि गोबर युक्त भूमि होगी तो ये एक अच्छी भूमि के रूप में माना जाता है कि ऐसी ज़मीन पे यदि हम कॉटन का प्लांट लगाते हैं तो जो कॉटन हमें प्राप्त होगा वो अच्छी क्वालिटी का प्राप्त होगा। इस समय जब हमारा पौधा 3 इंच का है उस समय इसमें जो फ्लावर निकलते हैं वो स्टार्टिंग में क्रीमिश कलर के देखने को मिलते हैं, क्रीम कलर के होते हैं, धीरे धीरे वो पर्पल हो जाते हैं और पर्पल होके वो खुलने के लिए तैयार होते हैं। और अब ये जो कंडीशन है ये हार्वेस्टिंग का समय प्रदर्शित करती है कि अब हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट फेज है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हम प्लांट कर रहे हैं, मई में हमने प्लांट किया, अब उस समय सीड हमने लगाए मई में, अगर तो प्लांटिंग करने से सीड लगाने के बीच में हमें 10 दिन का समय लगभग चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टेम आने लगेगी 3 दिन के बाद, हम इस पर देखेंगे नोड्स निकल आए छोटे छोटे, और 17 जून के अप्रॉक्स, मतलब डे वाइज अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो लगभग 17 जून के आसपास हम देखेंगे कि इसमें एक फर्स्ट स्क्वायर में, मतलब 500 हीट यूनिट्स पे अगर हम नोटिस कर रहे हैं इसको, तो फर्स्ट स्क्वायर में कुछ कुछ पॉड्स जो है छोटे साइज़ के देखने को मिलेंगे और फर्स्ट ब्लूम जो है वो हमारा लगभग 6 जुलाई के आसपास, मतलब पौधा तैयार होना, बढ़ना, उसमें छोटे छोटे नॉट्स निकलना, उसमें फूल आना, फूल आने के बाद उसमें बॉल्स
क्रिएट होना, बॉल्स के पॉड्स बनना, पॉड्स का फूटना, ये सारा प्रोसेस इनके फर्स्ट ब्लूम होगा लगभग 6 जुलाई को। तो हमने लगाया था 1 मई को और निकला कब है, जुलाई में। तो ये जो टाइम हमारा लगा ये हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम इसको मेन स्टेम से कट कर सकते हैं नोट्स को, जो भी नोट्स निकल रहे हैं, और ये जुलाई अगस्त के समय पूरी तरह से ब्रांचेज में फैल जाता है और फर्स्ट बॉल पूरी तरह से ओपन होगा अगस्त में जाके। मई में लगाया है, अगस्त में ओपन हो रहा है और हार्वेस्ट कर पाएंगे हम इसको सितंबर 21 के आसपास। इट मींस मई से लगाया हुआ प्लांट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइम लेते लेते हम सितंबर में हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिफोर हार्वेस्टिंग हमारा ये प्रोसेस देखने को मिलता है। अब हम पॉड्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं। पॉड्स को हार्वेस्ट करने के दौरान हम पॉड्स को गैदर करते हैं, सिलिकेट के पॉड्स देखने को मिलते हैं, इन्हें हम गैदर करते हैं। देन हम गिनिंग के लिए इसको मशीनों में डालते हैं। यहाँ पे हम गिनिंग और बेलिंग का प्रोसेस करते हैं, यानी कि इनको लट्ठों के फॉर्म में अलग अलग पैड्स के रूप में इनको तैयार कराते हैं। फिर स्लाइवरिंग यानी कि पूनिया बनाते हैं, पतली पतली चोटियों के समान इस तरह की लच्छियाँ बनाई जाती हैं। फिर हम इसको स्पिनिंग के लिए यहाँ पे स्पिनिंग का प्रोसेस करते हैं, स्पिनिंग हो रही है। देन वीविंग, वीविंग यानी कि बुनाई का प्रोसेस कर रहे हैं। और फिर फिनिशिंग, फिनिशिंग के लिए स्पेशली कॉटन की फिनिश जब हम करते हैं तो उसमें मर्सराइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। मर्सराइजेशन के प्रोसेस से इसमें स्पेशल लस्टर क्रिएट किया जाता है, क्योंकि जो कॉटन का फाइबर है जब उससे हम किसी भी प्रकार का कोई फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कोई भी चमक नहीं रहती है, वो येलोइश कलर का बेजान दिखने वाला वस्त्र तैयार होता है। और यदि हम उसमें एक विशेष चमक के क्लस्टर प्रदान करते हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है मर्सराइजेशन का प्रोसेस। इस प्रक्रिया के दौरान हम उसमें कलफ करते हैं और उसको टाइटनेस प्रोवाइड करते हैं, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। हम इसके बाद जो हमने लच्छियाँ बनाए हैं उसमें हम उसको ओपन करते हैं, उनको ब्लेंड करते हैं, फिर उसे मिलाते हैं, देन कार्डिंग करते हैं, उसको धुनाई करते हैं। धुनाई के बाद उसकी डबलिंग करते हैं। डबल मतलब उसकी लेयर्स, जितना हमको जितने काउंट कॉटन चाहिए, जितने सूत अंक काटने के लिए हमें कॉटन का रेशा तैयार करना है, हमें 2 सूत का चाहिए, 10 सूत का चाहिए, 40 सूत, मतलब कितने अंक तक काटना है। जो फैब्रिक हमारा जितना ज़्यादा अंक के रेशों के द्वारा तैयार होता है वो फैब्रिक उतना ही ज़्यादा आरामदायक होगा। तो कॉटन के जो वेरिएशन है अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें कई लेवल ऑफ कॉटन देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ कॉटन फैब्रिक ऐसे होते हैं जिसमें 10 अंक सूत के द्वारा जो तैयार किए जाते हैं कताई के दौरान, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 20 अंक कताई के दौरान प्रयोग में लाया जाता है, किसी में 40। तो 40 अंक तक सूत जिस रेशे के द्वारा काटा जा सकता है उस सूत से बना हुआ फैब्रिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। जैसे कोमठा कपास है हमारा, ब्रॉन्ज कपास है, धारवाड़ कपास है, इस तरीके से कई प्रकार के कपास हैं जो कि सूत के नंबर के अनुसार अलग अलग देखने को मिलते हैं। डबलिंग के बाद हम बात करेंगे कॉम्बिंग की। इस तरीके से हम इसको कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग के दौरान जो हमारे अशुद्धियाँ हैं या इक्वल नहीं है जो रेशे, वो सारे रेशे इक्वल किए जाते हैं। कार्डिंग के दौरान ही हमारी अशुद्धियाँ निकल चुकी हैं और वो बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब हम कॉटन फाइबर के ग्रोथ चार्ट की हम बात कर रहे थे कि कैसे इसको हम असेस करेंगे। कॉटन जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके वेरिएबल पे। कौन कौन से वेरिएबल हमारे सामने देखने को मिलते हैं, पहला कि वैरायटी ऑफ कॉटन। हमने अभी आपको बताया कि कितने अंक तक सूत उससे काटा जा सकता है, उसके आधार पर हम समझ पाते हैं कि कॉटन किस वैरायटी का है, उसकी श्रेणी उच्च है या निम्न है। कॉटन में भी उसके 1, 2, 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। सॉइल टाइप एंड कंडीशन, किस प्रकार की मिट्टी में कॉटन हमने
जो पौधा लगाया कॉटन का, हमने किस प्रकार की मिट्टी को प्रयोग में लाया है और उसकी कैसी कंडीशन है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, गोबर युक्त भूमि अगर होगी, यानी कि जो मिट्टी है उसमें हमने यदि गोबर मिलाया हुआ है, गोबर की खाद मिलाई हुई है, तो वो अच्छी श्रेणी की मिट्टी मानी जाएगी, और यदि नहीं मिलाई है तो वो उतनी अच्छी श्रेणी की मिट्टी नहीं होगी, और उससे प्राप्त होने वाला कॉटन भी उसी प्रकार से अच्छा और कम अच्छा होगा। रेनफॉल, जहाँ पर हमने कॉटन का पौधा लगाया है वहाँ पर वर्षा कैसी होती है, कितने सेंटीमीटर वर्षा वहाँ पर हो रही है, उस पर हमारे कॉटन की क्वालिटी डिपेंड करेगी। फिर हमारा जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, वो फर्टिलाइज़र कैसा यूज़ किया है, क्या टेम्परेचर वहाँ का रहता है, जैसे अमेरिका का कॉटन होगा और इंडिया का कॉटन होगा, दोनों ही कॉटन अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका में प्राप्त होने वाले कॉटन के जो पेड़ होंगे, जो उनके स्ट्रेंथ होगी, जो उनकी हाइट होगी पेड़ों की, वो इंडिया में पैदा होने वाले कॉटन की हाइट की अपेक्षा अधिक होगी। फ्लावर क्वालिटी, रेशे का जो साइज़ है वो भी अंतर करेगा। कल्टीवेशन मेथड हमने क्या अपनाया है, इंसेक्ट डैमेज हमने प्रयोग किए हैं नहीं किए हैं, या किस स्थिति में हमने कॉटन को छोड़ा है। कॉटन की एक विशेषता ये है कि वो पसीने को सोख लेता है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वहीं उसमें कुछ और कमियां भी हैं, कमियां भी हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉटन की एक कमी ये भी है कि वो आग को भी उतनी ही जल्दी पकड़ता है, लेकिन आग को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में समय लगाता है, क्योंकि वो सुलग सुलग के जलता है, लगातार नहीं जलता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। तो टेम्परेचर उसको कितना मिल रहा है, वो टेम्परेचर को अपने अंदर अब्जॉर्व करने की क्षमता रखता है, मगर बहुत हाई हो जाएगा तो फिर वो आग को कैच कर लेगा। हम इंसेक्ट की बात कर रहे थे, इंसेक्ट डैमेज हमने उसमें प्रयोग में लाया है या नहीं लाया है, उससे हमारी क्वालिटी वैरी करेगी। फफूंदी का प्रभाव कॉटन में बहुत तीव्रता से देखने को मिलता है, कीड़े कॉटन में नहीं लगते हैं, लेकिन अगर फफूंदी लगा वस्त्र आप लंबे समय तक रख देंगे, या पसीने से युक्त वस्त्र को आपने कहीं बंद करके रख दिया है, उसे फफूंदी लग गई है, तो वो वहीं से सड़ गल जाएगा, कीड़े इसमें नहीं लगते हैं। कभी कभी फफूंदी वाले वस्त्रों में सिल्वर फिश देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर फफूंदी ही कॉटन के वस्त्रों पर देखने को मिलती है। लेंथ जो है हमारी, वो सीज़न पर डिपेंड करेगी। ग्रोइंग सीज़न इसका कौन सा होता है, विंटर और समर दोनों जब हाई पे होंगे, दोनों ही इसके लिए ग्रोइंग सीज़न के रूप में हैं, दोनों ही सीज़न में ग्रो करता है, क्वालिटी ऑफ कॉटन हमारी वैरी करती है। अब हम बात करेंगे कि हमने कैसे हार्वेस्ट किया, कौन सा मेथड गिनिंग का अपनाया, हाथों के द्वारा कर रहे हैं या मशीनों के द्वारा कर रहे हैं, उससे भी हमारा कॉटन क्वालिटी डिफरेंट देखने को मिलेगी। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करेंगे कि कॉटन की माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसी है, तो हम देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन जब उसका देखते हैं तो इसमें फोर मेन पार्ट देखने को मिलते हैं, फोर चैम्बर के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। पहला देखने को मिलता है वैक्सी लेयर, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि पानी में ही अगर आप छोड़ दीजिए तो वो अलग हो जाएगी, और उसमें एक चिपचिपा लुब्रिकेंट टाइप का लगा रहता है जिसके द्वारा वो उसमें सटा रहता है या चिपका रहता है। फिर आती है प्राइमरी वॉल, इसमें नेचुरल इम्प्योरिटीज़ रहती हैं जो कि हम गिनिंग के दौरान साफ कर लेते हैं, और जो बची कुछ रहती है उसको फिर हम बाद में फॉर्मिंग के दौरान क्लियर कर देते हैं। सेकेंडरी वॉल देखने को मिलती है, फिर ये जो सेकेंडरी वॉल है यही मेन प्योर सेलुलोज की बनी हुई होती है, और यही मेन हमारे रेशे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन ल्यूमेन, ये सबसे अंदर की चीज़ है, जब हम इसको ओपन स्पेस में देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसके सेंटर में एक नली नुमा संरचना होती है, इसके सेंटर में एक लुब्रिकेंट भरा रहता है जो कि हमारे फाइबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है एक तरह से दूसरी तरफ तक। ये देखिए इस तरीके से रहता है, ये हमारी क्यूटिकल है, वैक्स पैक्टिन मटीरियल होता है, वैक्स एंड पैक्टिन का मटीरियल है ये जो क्यूटिकल है। इसके बाद ये आती है हमारी प्राइमरी वॉल, देन ये हमारी सेकेंडरी वॉल है, और ये हमारा ल्यूमेन। ल्यूमेन जो है
जब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो ये ऐसे घूम जाता है, और कन्वर्जन के बाद हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल कन्वर्जन है कॉटन फाइबर का, वो इस तरीके से रिबन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं बंडल में कॉटन फाइबर का, तो क्रॉस सेक्शन इसका इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, किडनी जैसा कुछ कुछ शेप इसका देखने को मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम कॉटन की देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो फाइबर लेंथ है वो लगभग 0.75 से 1.4 इंचेस तक अमेरिकन कॉटन में देखने को मिलती है, और हमारा जो जनरल देखने को मिलता है कॉटन लेंथ वो है 0.25 से 2.5 इंचेस तक, मतलब मैक्सिमम 2.5 इंचेस मैक्सिमम। इसीलिए कॉटन का रेशा खुरदुरा, क्योंकि कई छोटे छोटे रेशों को जोड़ के बनाया जाता है, तो जहाँ वो एंड होता है एंड पॉइंट वहाँ पर वो थोड़ा सा रफ होता है। कलर की बात करेंगे हम तो ऑलिव ग्रीन कलर का ग्रेइश वाइट क्रीम ब्राउन कलर का नॉर्मली देखने को मिलता है, और कॉटन फाइबर ऑफ वाइट और क्रीम आम तौर पर पाया जाता है। स्टेपल फाइबर होता है ये। स्टेपल क्यों कहा गया है? स्टेपल मतलब छोटा रेशा, क्योंकि कई सारे छोटे रेशों को जोड़ के हम बड़े रेशे के रूप में इसको प्राप्त तो कर लेते हैं, मगर इसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो 2.5 इंचेस तक, 2.5 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। यदि हम इसके लस्टर की बात करेंगे तो लो लस्टर फाइबर होता है, इसमें कोई चमक नहीं होती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मर्सराइजेशन का प्रोसेस किया जाता है जिसके द्वारा हम इसमें चमक उत्पन्न करते हैं। स्ट्रेंथ 10% टू 20% स्ट्रॉन्गर जब ये कैसा होगा, गीला। इलास्टिसिटी की बात करी जाए अगर तो स्लाइटली इलास्टिक होता है, ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं देखने को मिलती है, और इसका प्रयोग हम इसीलिए होम प्रोडक्ट्स में करते हैं। अगर हम इसका स्ट्रेस लेवल देखेंगे कि इलास्टिक रिकवरी कितनी है, तो लगभग 0.70 से 0.74 यानी कि 2% इलास्टिसिटी देखने को मिलेगा। रेजिलेंसी की बात यदि हम करते हैं तो लो इलास्टिसिटी है इसमें, और लो रेजिलेंसी भी इसमें देखने को मिलती है। हाँ, इसको हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं यदि हम चाहें तो, इसमें हम कुछ केमिकल और मैकेनिकल फिनिश यूज़ करें तो इसमें रेजिलेंसी लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे मॉइस्चर की, मॉइस्चर इसमें कितना पाया जाता है। तो 24% या 27% ह्यूमिडिटी में, यानी कि अगर गीला हो जाएगा तो सूखने में टाइम लगाता है। हमारा जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, उसमें हम देखेंगे कि कैसे कितने डिग्री फॉरेनहाइट तक इसको हम ले जा सकते हैं। बायोग्रेडेबल देखा जाए अगर इसको, तो ये बायोडिग्रेडेबल है और कैन नॉट बी हीट सेट। कॉटन कैन नॉट बी हीट सेट, यानी कि इसके ऊपर हम नहीं ले जा सकते, फिर ये जलने लगेगा। कभी कभी ये इस टेम्परेचर पर जलता नहीं है, झुलस जाता है। झुलसने की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। सेफ है, आप इसको हाई टेम्परेचर पे आयरन कर सकते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर अगर आप ले जाएंगे 400 डिग्री फॉरेनहाइट से अबव अगर आप जाएंगे तो ये वहीं पर झुलस जाएगा और जल जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी देखा जाए तो, चूँकि ये सेलुलोजिक पॉलीमर है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54 देखने को मिलती है। इफ़ेक्ट ऑफ एसिड को अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि कॉटन फाइबर कैन बी डिसइंटीग्रेटेड बाय हॉट डाइल्यूट एसिड और कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये अनइफेक्टेड होता है कब? कोल्ड वीक एसिड्स में, यानी कि जब हमारे अल्कलाइन और एसिड्स का इफेक्ट हम इस पर देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि एसिड इफेक्ट जो है सल्फ्यूरिक एसिड का तो है, बट और जो ठंडे एसिड्स हैं उनका उतना इफेक्ट इस पर नहीं है।
अल्कलाइन का देखते हैं, कॉटन इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड बाय अल्कलाइज। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा कॉटन कैसा है, किस लेवल का है, लो क्वालिटी कॉटन हम यूज़ कर रहे हैं या हम हाई क्वालिटी कॉटन यूज़ कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि वो अल्कलाइन और एसिड के इफेक्ट को प्रदर्शित किस प्रकार से कर रहा है। यदि इसमें मिक्सिंग होगी तो ये अल्कलाइन इफेक्ट को प्रदर्शित करेगा, मिक्सिंग नहीं होगी तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई भी एडवर्स इफेक्ट इस पर देखने को नहीं मिल रहा है। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनका यदि हम इफेक्ट देखते हैं, कॉटन पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का जो इफेक्ट पड़ता है वो कैसा पड़ता है, क्या हम इसको इसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो कंज्यूमर जो होते हैं वो इसको यूज़ में ला रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को ला रहे हैं, कैसा प्रोसेस कर रहे हैं, ये इसी पर बेस्ड होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का प्रभाव कैसा पड़ रहा है। कॉटन की जो रेजिस्टेंट पावर देखने को मिलती है, कॉमनली हम देखते हैं इंडस्ट्रियल और हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसका कंज्यूमर केयर ज़्यादा है। ब्रेकिंग टेंसिटी देखते हैं, अगर हम इसको फाड़ कर देखते हैं तो फाड़ने पर ज़्यादातर ये एक बार में फाड़ने पर अगर सूखा है तो ईजीली फट जाता है, अगर आप इसको गीला कर देते हैं तो ये फटने में टाइम लगाता है। सनलाइट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सूरज का इस पर अगर इफ़ेक्ट देखा जाए तो सनलाइट जैसे ही पड़ती है कॉटन पर उसका रेशा यदि मर्सराइज नहीं किया गया है तो येलोइश से ब्राउनिश होने लगेगा। लेकिन सनराइज का इफ़ेक्ट की वजह से ये ख़राब हो जाए ऐसा नहीं होगा। एक्सलेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है सनलाइट के अगेंस्ट, इसमें स्टिफनेस जो है देखने को मिलती है, मीडियम रेजिलेंसी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा स्टिफ फाइबर नहीं है, ये बहुत देर तक कड़ा रहे ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी क्रैश हो जाएगा। और अगर हम इसको बर्निंग आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम देखेंगे कि फाइन ग्रे ऐश देखने को मिलती है, और फाइन ग्रे ऐश के साथ साथ एक ख़ास क्वालिटी ये है कि जब आप इसको जलाएंगे तो इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है जो कि सभी प्रकार के सेलुलोजिक पदार्थों में देखने को मिलती है। यूज़ ऑफ कॉटन, हम होम टेक्सटाइल में हाँ अपने घरों में कॉटन को प्रयोग में लाते हैं, किस किस रूप में, किचन क्लॉथ, हैंड टॉवल, फर्नीचर कवरिंग, टेबल क्लॉथ, कारपेट्स, बेड बार टॉवल एट्सेट्रा। एसेसरीज में भी हम इसको प्रयोग में लाते हैं, जैसे हमारा हैंकरचीफ वगैरह है, अम्ब्रेला वगैरह है। अपैरल के रूप में भी हम कॉटन को यूज़ करते हैं, नाइट वेयर है, शर्ट्स, ब्लाउज एट्सेट्रा। हमारा जो आरामदायक वस्त्रों के रूप में भी हम इसको यूज़ में लाते हैं, ट्राउज़र वगैरह के रूप में इसको यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में भी हम इसको यूज़ करते हैं, क्लोथिंग कॉर्ड्स, स्विंग थ्रेड्स वगैरह बनाने के लिए भी इसको, शूज़, बैग्स, मेडिकल में भी इसको हम यूज़ करते हैं। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस क्या हैं, फर्स्ट लिमिटेशन है श्रिंकेज, बहुत जल्दी क्रैश हो जाता है, बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है और बहुत लंबे समय तक इसका सिकुड़न का प्रभाव नहीं जाता है, इस पर हाई हीट के द्वारा ही आयरन करना अच्छा माना जाता है। रिंकल्स जो हैं वो इस पर ईजीली पड़ जाते हैं, डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करना, भी आपको बता ही रहे हैं। रेस्पिरेशन अगर देखते हैं, सन इफेक्ट देखते हैं तो वीक रेस्पिरेशन एंड सन इफेक्ट होता है, ईजीली बर्न हो जाता है, यानी कि हाई फ्लेमेबल होता है, जल्दी से जल जाता है, लेकिन जलने का जो आग का पकड़ना और आग को कंटिन्यू बनाए रखना दोनों में अंतर है। अगर आप इस पे फ्लेम लगाते हैं तो वो तुरंत फ्लेम को पकड़ लेगा, बट उसको आगे कंटिन्यू करने में टाइम लगाता है। माइल्ड्यू इफेक्ट देखेंगे अगर हम, तो हम देखते हैं कि इसमें ज़्यादा देर तक उस पे सोखता रहता है, गीला बना रहेगा, इसको गीले होने पर यदि हम फाड़ना चाहें तो नहीं फाड़ सकते, बहुत टाइम लगेगा या बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। स्ट्रेंथ इसकी नेचुरल फाइबर है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
जितना कि सिंथेटिक फाइबर होता है तो इजीली टूट जाता है। स्टेन्स इसमें इजीली लग जाते हैं, बट बहुत देर तक लगे रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉटन है तो वाटर के द्वारा इस स्टेन को हम रिमूव भी कर सकते हैं कुछ मात्रा तक। गर्म कपड़े जो है इससे नहीं बनाए सकते हैं, लेकिन ये हमें हल्की गर्मी का प्रभाव प्रदान करने में सहयोगी होते हैं। गर्मी के दिनों में ये वस्त्र यदि प्रयोग में लाए जाएं तो वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसको यदि सुखाया जाए, ड्राई प्रॉपर्टीज अगर इसकी देखी जाए तो लंबा समय लगाता है सूखने में, क्योंकि पानी सूखने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा है। क्रीज रिकवरी हो सकती है बट पुअर इलास्टिसिटी होती है, तो क्रीज जो है बहुत लंबे समय तक बनी रहे ये ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।